नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत करते हैं आपका आपके और हमारे YouTube चैनल टोटल फार्मिंग में। किसान भाइयों, आज की जो वीडियो है, इस वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे जो कि हमारे धान की फसल है। इस समय हमें अपनी जो धान की फसल है, इसमें कौन सी हमें गलतियां नहीं करनी, कौन सी सावधानियों का ध्यान रखना है और अच्छी पैदावार लेनी है तो हमें सावधानियों को बरतते हुए चलना है और गलतियां नहीं करनी है। तो किसान भाइयों, आपको पूरी जानकारी इस वीडियो में दी जाएगी। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी दबा लीजिए ताकि आपको खेती संबंधी अच्छी अच्छी जानकारियां मिलती रहें। तो किसान भाइयों, बढ़ते हैं वीडियो की तरफ, तो बात करते हैं धान की फसल में इस समय हमें कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए, कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए। तो किसान भाइयों, जैसे कि हमारी जो धान की फसल है तकरीबन 50-55 दिन की 60 दिन की हो रही है। अगर औसतन अनुमान लगाया जाए तो 50 से 55 दिन की धान की फसल हो रही है और कुछ समय बाद हमारी धान की फसल में बालियां निकलनी शुरू हो जाएंगी। तो किसान भाइयों, इस समय हमें किन चीजों का ख्याल रखना है? सबसे पहली बात तो हमें जो है देखा देखी या दुकानदारों के पीछे लग के हमें अपनी धान की अच्छी पैदावार को लेके अगर और कल्लों को बढ़ाने के लेके ऐसी किसी भी ग्रोथ प्रमोटर का इस्तेमाल नहीं करना है। किसान भाइयों, इस समय हमारी जो धान की फसल में कल्लों का निकलने का समय नहीं, जो कल्ले निकलने थे वो भरपूर निकल चुके हैं और इस समय कल्लों को लेकर कोई भी ग्रोथ प्रमोटर इस्तेमाल ना करें। इससे क्या होगा कि अगर आपकी धान की फसल स्वस्थ है तो उसको नुकसान होगा, आगे चल के आप अच्छी पैदावार नहीं ले सकेंगे। दूसरा काम किसान भाइयों, अगर आपकी धान की फसल में पानी जो है, अगर बहुत ज्यादा पानी भरा हुआ तो उतना आपको पानी नहीं रखना है, जिससे कि आपकी धान की फसल को बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। आप उस पानी को निकालने का निकास बना सकते हैं। ज्यादा पानी खड़ा होना भी हमारी धान की फसल के लिए नुकसानदायक है। और किसान भाइयों, इस समय आप किसी भी अगर ग्रोथ प्रमोटर का इस्तेमाल करेंगे तो वो क्या होगा कि हमारी धान की फसल को फायदा पहुंचाने के बजाय नुकसान पहुंचाएगा, क्योंकि इस समय ग्रोथ प्रमोटर का कोई काम नहीं है। इस समय अगर आपकी जो धान की फसल है, तने अगर अच्छी तरह से गोल नहीं हो रहे हैं, अच्छी तरह से गोल नहीं हो पा रहे हैं, तो उस समय आप 19-19 या 20-20 एनपीके की स्प्रे कर सकते हैं, 1.5 से 2 किलो मात्रा लेके इसकी स्प्रे कर सकते हैं अगर इस स्थिति में। अगर किसान भाइयों, आपकी धान की फसल के तने गोल हो गए हैं तो उसमें आपको स्प्रे कर सकते हैं जो कि आपकी फायदा पहुंचाएगा। उस स्प्रे आपको एनपीके स्प्रे का करना है 0-52-34, ये स्प्रे कर सकते हैं, क्योंकि इस समय हमारी जो धान की फसल फास्फोरस, नाइट्रोजन, पोटास, इन चीजों की जरूरत पड़ती रहती है। तो 0-52-34 की अगर आप स्प्रे करते हैं तो आपको 1.5 किलो तकरीबन 0-52-34 लेना है और बोरान साथ में मिला लेना है 100 ग्राम और 1.5 किलो यूरिया, इन तीनों का घोल बनाकर 150 लीटर पानी में मिला के प्रति एकड़ के हिसाब से आप इसकी स्प्रे कर सकते हैं और इससे किसान भाइयों आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा इन चीजों का अगर आप स्प्रे करते हैं। तो किसान भाइयों, उम्मीद करते हैं हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी दबा लीजिए।